पिछले दिनों सरहदी इलाके में से पाकिस्तानी ड्रोन का सामान मिलने और खुफिया इनपुट के बाद यहां सरहदी इलाके हाई अलर्ट पर है। वहीं आज जिला अमृतसर देहाती पुलिस द्वारा बॉर्डर के बिल्कुल नजदीकी पुलिस थाना रामदास के सभी गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसएसपी देहाती विक्रमजीत दुग्गल के साथ 3 SP 6 DSP सहित 197 पुलिस कर्मचारियों की टीम ने गाँव के लोगों से पूछताछ की। अज असी सारे ही रामदास पुलिस स्टेशन के जे पिंड है उन्होंने वक् वक् पिंड सर्च ऑपरेशन करने वास्ते मानयोग SSP साहब श्री विक्रमजीत दुग्गल जी दिशा निर्देश चले दो साढ़े 3 SP साहबान 6 DSP साहबान सारे ही है साड़ी करीब 197 पुलिस पार्टी के कंपोनेंट का जो है सर्च अभियान जो जारी है। आने वाले त्यौहार के संबंध में असं जो है प्रकाशनरी जो है सारे पिंड की असं जी सर्च जो कर रहे हैं कि कोई माड़ा बंदा जरा सिर ना चुक सके। सर क्यों चल रहा जी अभियान है, कोई शक है? इस तरह जिम्मे कोई कई तरह की इनपुट्स आदि है भी आ ड्रोन वगैरह की मूवमेंट हुई इधर तरन तारण फिरोजपुर साइड में इस तरह का मतलब जो है लोगों के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी असी पैदा करने की खातर यह अभियान जारी किया। तो वक् वक् पिंड एजुकेट भी करा रहे हैं जी कोई इदा का कोई तुम ऑब्जेक्ट जो है कोई नज़र आता आसमान के उड़ता तो वह तुरंत इतला जी है वो थाने दी जाए ताकि जो प्रॉपरली जो टाइमली खिलाफ जो एक्शन लिया जा सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP अचनाला सोहन सिंह ने बताया कि आज SSP देहाती विक्रमजीत के दिशा निर्देशों के अनुसार सरहदी गांवों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को भी ड्रोन आदि के संबंध में जानकारी दी जा रही है, जिससे कि भविष्य में कोई व्यक्ति ड्रोन जैसी कोई वस्तु देखे तो उसे पहचान कर पुलिस को सूचित कर सके। अमृतसर से न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।